स्वागत है। पीएम मोदी हर तीसरे महीने में करेंगे मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा। बतौर पीएम अपने दूसरे कार्यालय में नरेंद्र मोदी मंत्रालयों के लिए हर हाल में द्रुत गति से काम और लक्ष्य प्राप्ति को पैमाना बनाया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्रतिदिन के कामकाज के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जबकि पीएम मोदी खुद हर तीसरे महीने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस कड़ी में पीएम मोदी की निगाहें खास तौर पर उन मंत्रियों के कामकाज पर टिकी रहेंगी जिन पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ साल 2022 पर अहम योजनाओं को अमली जमा पहनाने की जिम्मेदारी है। मार्ग पर खड़े उतरने में नाकाम रहे मंत्री पर साल के अंत में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में गाज गिरेगी। दरअसल अपने नए कार्यालय में पीएम ने वर्ष 2022 तक सरकार के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें ऊर्जा मंत्रालय के पास हर घर में बिजली पहुंचेगी, कृषि मंत्रालय के पास किसानों को फसल की लागत मूल्य से 2 गुना मूल्य सुनिश्चित करने, ग्रामीण विकास के पास सबको पक्का मकान देने, जल संसाधन के पास हर गांव में पेयजल पहुंचने, सड़क परिवर्तन मंत्रालय के पास राजमार्गों की लंबाई में 1.5 गुना बढ़ोतरी करेंगे, पेट्रोलियम के पास सभी घरों में गैस कनेक्शन पहुंचेंगे, तो मानव संसाधन मंत्री के पास नई शिक्षा नीति तैयारी करने की जिम्मेदारी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।